अंधकार ही है फैला जो, ये प्रकाश कैसे आएगा? इन तंग सी गलियों से ये अंधकार कैसे जाएगा? ये बेड़ियों में फंसे जो लोग अपने ही तो हैं, इन रुकती सांसों के बीच हवाएं कौन लाएगा? इस अंधकार में जो लोग हैं वो प्रकाश को क्या कभी जानेंगे? स्वस्थ जीवन के बारे में जो हम बताएं क्या वो मानेंगे? होंगे खुश कभी इन गलियों से निकलकर, क्या कभी इस पूर्णिमा से रोशन इस जीवन को पहचानेंगे? है सवाल कई, चलिए एक एक करके सब जानेंगे। अरे अरे क्या हो गया भैया, क्या हो गया, बड़ी खांसी है, टीवी वगैरह तो नहीं हो गया? अरे ऐसे थोड़ी ना टीवी हो जाती है यार, ऐसे ही होती है, बीती है तभी बता रहा हूँ, मेरे भी हो गई थी। अच्छा तो आपको टीवी था? नहीं नहीं अब तो बिल्कुल सही हूँ मैं। फिर तो आपको बहुत तकलीफ हुई होगी ना, तुम सुनोगे मेरी कहानी? सुनाओ सुनाओ। पानी तो देना। आज तो खाना मिल जाएगा, कल के लिए राशन नहीं बचा। अरे मेरा भी आज काम का आखिरी दिन था, अगर कल काम मिलेगा तो राशन आएगा, वरना सो सब लोग ऐसे ही। काम तो ढूंढना ही पड़ेगा आपको, हमें तो भूख लगती है, आपको भूख नहीं लगती तो हम क्या करें? क्या करूं, मालिक ने काम से निकाल दिया, ढूंढ तो रहा हूं काम। हाँ ये सही है, दोनों लोग घर बैठ जाओ। अरे आज का खाना है, आज का खाना खा लो, तो आप कल से दोनों चले कोई और नया काम ढूंढेंगे। ये बंद मकान, ये सूखी दीवारें, काश यहाँ तक भी पहुंच पाते कुछ सितारे। इस घुटन में जीना चाहत नहीं है इनकी, गरीबी कहाँ देती है किसी को किनारे। यहाँ एक साथ खाना प्यार कहाँ मजबूरी है, जितने करीब ये लग रहे शायद दिलों में उतनी दूरी है। पर बीमारियों से दूरियाँ अब कम हो रही हैं, यही गरीबी है, यही मजबूरी है। खाती वाती नहीं हो आजकल, कुछ पतली लग रही हो। कहाँ दीदी, खाने के लिए पैसा भी होना चाहिए और इनकी तो तबीयत ही खराब रहती है। क्या हो गया, कब से खांसी इनको? काफी वक्त हो गया दीदी। दो हफ्ते से ज्यादा हो गया क्या? दो हफ्ते तो कब के हो गए। अच्छा भैया एक बात बताओ, आशा वाली ने तुमसे सिर्फ खांसी के बारे में ही पूछा? अरे भैया यही तो वहम है, हम लोग गरीब लोग मजदूर आदमी पूरे दिन काम करते हैं, हम तो थक जाते थे बुरी तरह से। थक जाते थे, उस थकान का वजह जानने का भी टाइम नहीं होता था। वो तो उस टाइम पे भूख भी कम हो गई थी मेरी तो। अच्छा तो भूख नहीं लगती, मैं तो खुश हो जाता था कि चलो राशन ही बचेगा। अच्छा लेकिन ये रात में कभी कभी बड़ी दिक्कत होती थी, रात में बीच रात में आँख खुल जाती थी, पूरा शरीर बुरी तरह से दर्द करता था। अच्छा भी आती है क्या इनको? काफी आती है, सुबह तो इतनी आती है कि मुझे डर लगता है कि फेफड़े बाहर ना आ जाएंगे। तो सरकारी अस्पताल दिखाओ ना फिर। बहन जी काम कैसे करेंगे, काम भी तो करना है, पेट भी तो पालना है। अरे क्या हो गया, अब तो खून भी आने लगा है, आशा दीदी ने बोला था ना अस्पताल चले जाना आपको। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हो गया, ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्या पीछे पड़े हैं भाई साहब, इनको दो महीने से खांसी है, अब देखो खांसी से खून भी आ रहा है, फिर भी ये नहीं मानते अस्पताल जाने के लिए। अरे मैं अस्पताल चला जाऊंगा तो कमा के खाओगे क्या तुम लोग? अरे एक दिन मैं चला जाऊंगा, तू अस्पताल चला जा, एक दिन चेकअप करवा सही से, मान लो हमारी बात भी कभी। सबके समझाने पर ननकू नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चला गया। खांसी के लिए आपको कुछ दवाई लिख रहा हूँ और साथ में दो रिपोर्ट्स हैं करवा के लानी है आपको, ये रिपोर्ट्स आप करवा के लाइए। फिर दवाई भाई जांचे, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे है नहीं हमारे पास तो। अरे जांचें आपकी मुफ्त में हो जाएंगी, यहीं पे हो जाएंगी, जांचों के लिए आप मत घबराइए, ऐसे ये जांचें करवाइए फिर दिखाइए एक बार, दोबारा देखिए जांचों के बाद बता लेंगे। डॉक्टर के कहने पर ननकू ने अपने बलगम की जांच करवाई जो कि बिल्कुल मुफ्त है। ये बलगम का नमूना एक तो साधारण जांच के लिए जाएगा जिससे हमें पता चलेगा कि उसे टीबी है भी कि नहीं, और उसी नमूने में से हम सीबी नाट करते हैं ताकि अगर टीबी हो जाए
तो आगे का इलाज शुरू किया जा सके। देखिए आपकी जांचों के हिसाब से आपको टीबी है। बस तो नहीं, इसका इलाज है। बहुत लोग हैं इनको जो ठीक हो चुके हैं टीबी से। मैं अभी आपकी दवाई शुरू कर देता हूँ। ये दवाई ली आप और मैं अपने घर में अकेला हूँ, कमाने वाला हूँ, मैं बस तो जाऊँगा ना। अरे हाँ जी हाँ जी, बहुत लोग हैं जो ठीक हो चुके हैं टीबी से। मेरे घर वालों को तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, आप घबराइए मत, आपकी दवाई स्टार्ट कर रहा हूँ, आप दवाई लीजिए और बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हमारा घर इतना छोटा था, एक तो उसमें इतने सारे लोग, तो बड़ी दिक्कत होती थी। मुंह पे रुमाल लगा के घूमना पड़ता था पूरे घर में पूरे टाइम। अच्छा, और एक तो रोशनदान नहीं था हमारे घर में, तो उसके लिए अलग से खर्चा करना पड़ा। अरे जिंदगी बर्बाद कर दी इस बीमारी ने तो। वो तो भला हो सरकार का कुछ पैसे भेज देती थी, वरना तो जिंदगी नरक थी हमारी। ननकू का इलाज पास ही के स्वास्थ्य केंद्र में शुरू हो गया और वहीं से उसकी निश्चय आईडी भी बन गई। सभी टीबी से ग्रस्त लोगों की एक निश्चय आईडी बनती है, जिसके तहत उन्हें काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। ननकू को 99 डॉट्स पे डाल दिया गया और उसे समझाया गया कि दवाई हर रोज़ लेने के बाद जो उसके नीचे टोल फ्री नंबर मिले उस पे फ़ोन करना है, ताकि हमें पता चले कि उसने दवाई ले ली। और निश्चय पोषण कार्ड दिया गया, ताकि हर महीने 500 रुपये उसको राशन के लिए मिल जाएं। ननकू ने भी उनकी बात मानी और कुछ महीनों तक लगातार दवाई ली, अपनी आदतों को बदला और फिर से अपनी जांच कराई, जिससे पता चला कि वो टीबी से मुक्त हो गया। अरे भैया, इससे पहले टीबी के बारे में मेरे को तो इतना कुछ पता ही नहीं था, वो तो शुक्र है आपने बता दिया। कोई नहीं भैया, इसमें घबराने की ज्यादा बात नहीं है, मैं भी तो ठीक होकर बैठा हूँ ना तुम्हारे साथ। कब से हो रही है खांसी तुम्हें? अभी पिछले दिन से शुरू हुई है मेरे को। कोई नहीं भैया, अगर 2 हफ्ते से ज्यादा हो जाए ना ये खांसी, तो सरकारी अस्पताल में जरूर दिखाना मत भूलना। अच्छा ठीक है, याद से दिखा देना। ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि अगर ननकू की तरह सभी लोग अपने समय पर जांच कराएं और समय पर दवाई लें, तो टीबी जैसी भयानक बीमारी को भी हराया जा सकता है। टीबी का इलाज 2 पड़ाव में होता है। पहला पड़ाव 2 से 3 महीने और दूसरा पड़ाव 6 से 8 महीने का होता है। अगर आपको दवाई लेना याद ना रहे तो उसके लिए 99 डॉट्स की सुविधा तो है। इसके अलावा सरकार द्वारा टीबी मरीजों के लिए मॉम बॉक्स, फास्ट ट्रैकिंग कार्ड और निक्षय मित्र जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। टीबी कोई अंत नहीं, नया जीवन फिर से आएगा। अंधकार से ये भय कैसा, जब सूरज कल फिर आएगा। रात लंबी है, काली है, तो क्या हुआ, तू रख हौसला, नया सवेरा फिर से आएगा। तू ले दवा, हर बात मान, तो होगा टीबी मुक्त भारत, वो दिन भी आएगा।